हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने सी टैक चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें ये बताऊंगा कि आप किस तरह से बिना बीसी वगैरह लिए हुए अपने शॉप पर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी कस्टमर का एसबीआई बैंक में बहुत ही आसानी तरीके से, और साथ साथ में अकाउंट नंबर, नेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी विषय पर बात करने वाला हूँ, यही आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है, कैसे फॉर्म करना है, क्या रिक्वायरमेंट है इसका। चलिए हम सबसे पहले ओपन करते हैं। यहाँ से एक लिंक सेव होगा, मैंने सब सेव कर रखा था, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर योनो एसबीआई का साइट खुलेगा। यहाँ पर पहले था कि यहाँ पर फॉर्म फिल करके उसे जमा कराने पड़ता था, पर इसको चेंज करके फॉर्म फिल करके आप जमा बिना किए हुए भी आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा साथ साथ में। तो आप इस तरह से, यदि आपके पास बीसी नहीं है तो आप इसके मदद से भी कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। कस्टमर यदि कोई आता तो मोड़िए मत, अकाउंट खोल दीजिए। यहाँ से सेविंग अकाउंट खुल जाएगा जिसका लिमिट 1,00,000 रुपये है, ट्रांजेक्शन लिमिट 2,00,000 रुपये है, और नो चार्जेस ऑफ नॉन मेंटेनेंस, मतलब इससे कोई मेंटेनेंस वगैरह का चार्जेस वगैरह नहीं लगाया जाएगा पहले 1 साल तक। तो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। यहाँ से आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रेफरेंस कोड वगैरह की जरूरत नहीं है, आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालिए और नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पर जो रेफरल कोड है इसके जगह पे आप मत कुछ भी मत डालिए, देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए सबमिट कर दीजिए। ओटीपी हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर ओटीपी सेंड हो जाएगा, आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आ जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए जो कुछ भी है, मैं टाइप करके सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब आ जाएगा कि आपका कोई आईडी का अपना क्रिएट आईडी और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कीजिए और क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। तो मैं फटाफट आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यस और नो का। तो नो का मतलब कि यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, यदि यस पैन कार्ड है तो यस पे क्लिक करना है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं रहेगा तो आपको ब्रांच में जाकर सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, यदि है तो आप यस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आई एग्री सब कुछ अथॉरिटी एस बी आई वेरिफिकेशन आधार डेटा, मतलब ये बोल रहा है कि आपका आधार डेटा का अथॉरिटिकेट वगैरह किया जाए रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर द्वारा, तो आई एग्री पे क्लिक करके और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। आधार नंबर यहाँ टाइप करने के लिए बोलेगा, तो जो आपका आधार कार्ड का नंबर या फिर आपके फ्रेंड का, रिलेटिव का जो आधार कार्ड का नंबर है, आप वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर डाले थे आप उस मोबाइल पे, या फिर जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर आपका एक मैसेज आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। उसके बाद में ओटीपी टाइप करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आधार कार्ड से सारा डिटेल इसमें ऑटोमेटिक उठ कर आ जाएगा, मतलब कि वहाँ से जॉब कर लेगा सारा चीज़ जो जो कुछ है। यदि आपको यहाँ पर टाइटल वगैरह कुछ देना, देखिए ऊपर आपको 6 प्रोसीजर से गुजरना है, 6 तरह के स्टेप आपको मिलेंगे आगे। तो यहाँ पर टाइटल में मिस्टर मिसेज जो भी देना है तो मिस्टर्स मिसेज एमएस जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। उसके बाद में फीमेल नाम वगैरह चेक कर लीजिए, सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही कर, प्लेस अपना जो है प्लेस डाल दीजिए, कंट्री डेट ऑफ बर्थ कंट्री जो कुछ भी है आप डाल दीजिए। तो सब में डेट ऑफ प्लेस जो है बर्थ लुधियाना, बाकी इंडिया 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 सब में नेक्स्ट। उसके बाद में आपके पास एड्रेस का आ जाएगा, एड्रेस आप देख लीजिए, यदि एड्रेस आपका बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, तो आप बस यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, लुधियाना जो कुछ भी पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद में आप विलेज टाउन वगैरह किस में रहते हैं, यदि कंपल्सरी नहीं है, यदि आप यहाँ सेलेक्ट है आपको विलेज में मिलता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, यदि नहीं मिलता है तो रहने दीजिए, क्योंकि ऊपर सिटी का एड्रेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है टाउन। और यहाँ से क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ पे आपको पूरा अपना एड्रेस वेरीफाई कर लेना है कि आपका एड्रेस वगैरह सही से टाइप करके उसके बाद में नेक्स्ट कर देना। उसके बाद में आता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको कॉर्पोरेशन एड्रेस वगैरह सब कुछ, एड्रेस वैसा ही है, सेम टू सेम पिछले का ही है, तो जो पीछे एड्रेस था सेम टू सेम इसमें वो भी फिल कर लेते हैं, सेम टू सेम है पिछला मतलब एड्रेस का, तो सेम टू सेम ऐसे एड्रेस अपना सब कुछ एड्रेस अपना डिटेल फिल करने के बाद में आप फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। फिर अब आता है पैन कार्ड के बारे में, जो पैन कार्ड है आप पैन कार्ड नंबर यहाँ पर मांग रहा है कि जो आपके पास पैन कार्ड है वो पैन कार्ड का नंबर टाइप कीजिए, तो मैं यहाँ पर जो पैन कार्ड का नंबर में टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करता हूँ। देखिए जो आधार कार्ड के साथ फोटो लगा रहेगा, आधार कार्ड पर जो फोटो रहेगा वो फोटो आपके सामने आ जाएगा, और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि हस्बैंड्स वगैरह, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सब, तो आप यहाँ से सब कुछ टाइप कर सकते हैं।
उसके बाद में डिटेल आता है आपका ऑप्शंस में, आप करते क्या हैं, बिजनेस वगैरह है तो ये सब टाइप करना है तो टाइप कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर करने पड़ेगा। तो क्वेश्चन में सर्विस में आप देख लीजिए, तो क्वेश्चन में क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद में आपका आता है एनुअली इनकम क्या है, तो 0 से 20,000, 20,000 से 50,000, तो एनुअली इनकम कम से कम 20,000 से 50,000 रुपये रखना चाहिए, कम से कम इतना रखिए। और उसके बाद में फिर नीचे आता है एजुकेशन, ब्लो ऑफ SSC, SSC, HS और प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कुछ भी है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद में रिजल्ट कौन सा है, हिंदू है क्या है क्या नहीं है, तो आप यहाँ से हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट कर लीजिए, मुस्लिम सिख वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। मतलब बिल्कुल एक फॉर्म की तरह है, जैसे फॉर्म पे सारा कुछ होता है, प्रोसीजर सब कुछ आपको फॉलो करने पड़ेगा। नॉमिनल डिटेल्स होती है, कोई नॉमिनल से किसी को बनाना चाहते हैं तो इसमें बनाने पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए उसके बिना नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे पर एप्लीकेशन एड्रेस, तो यहाँ पर जो पीछे एड्रेस डाले हैं ऑटोमेटिक आ जाएगा, और नॉमिनल में जो नाम है और रिलेशन में क्या लगते हैं वो टाइप करने के बाद में उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर, तो जो डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ टाइप कर सकते हैं यहाँ से, दो सन 2000 कितने में जन्म हुआ था सारा कुछ। उसके बाद में एज उनका आ जाएगा और बस कुछ नहीं करना है, सबको डिटेल फिल करने के बाद में, सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। मैं हीरो नगर लिखता हूँ तो हीरो नगर देखिए आ गया लुधियाना, हीरो नगर, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यदि आप पीछे बैक में जो लोकेशन था उससे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत होता है उससे, बस यहाँ पर ब्रांच का नेम लिखिए आपको आ जाएगा, देख लीजिए एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड्स मैं भी ये पहली बार ही कर रहा हूँ, मैं इसमें पहली बार फॉर्म फिल कर रहा हूँ, और जहाँ तक है मेरे पूरा प्रोसीजर हो जाएगा सही है और बढ़िया से खाता खुल भी जाता है, तो आप रेड एंड टर्म्स कंडीशंस वगैरह पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके पढ़ लीजिए जो भी टर्म्स कंडीशंस है। टर्म्स और कंडीशंस मोटे मोटे से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका वैल्यू 1 लाख रुपये जमा करने का है और 2 लाख रुपये का लगभग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको 1 साल के अंदर इस खाते पे बैंक में जाकर आपको पूरा KYC वगैरह पूरा डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाना होगा और इसको रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट करवाना होगा, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन अकाउंट रहेगा। उसके बाद में आपको सब कुछ फैसिलिटी बिल्कुल उसी तरह मिल जाएगा, आपको चाहते 1 साल के अंदर जाइए या फिर कल ही चले जाइए, आपको वो सारे फैसिलिटी मिल जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले 1 साल ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई बेस पे भी है कि जैसे आपको अच्छा लगे तो आप चलाइए, नहीं तो आगे चल के 1 साल बाद बंद कर दीजिए। यदि आप 1 साल के अंदर डॉक्यूमेंट जाके हार्ड कॉपी सबमिट नहीं कराते हैं अपने ब्रांच में तो ऑलरेडी वो भी बंद कर देंगे। तो ये सब टर्म कंडीशन इसमें लिखा हुआ है, OTP बेस पे, आधार कार्ड बेस पे खोला जा रहा है खाता, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद में आई हैव गिव टू कॉन्टैक्ट रिसीवर द इन्फॉर्मेशन, यहाँ से क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पे टाइप कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। नाम आपके सामने आ जाएगा, डेबिट कार्ड पे नाम डिटेल यही रहेगा। उसके बाद में आपके पास नाम के साथ साथ में नीचे ओपन अकाउंट पे क्लिक कीजिए, नाम सामने शो कर रहा है, डेबिट कार्ड डिटेल्स, और यहाँ पे ओपन अकाउंट पे क्लिक कीजिए और ये डन हो जाएगा। इस पर लिखा हुआ है शॉर्टली रिसीव द SMS विद द टेम्पररी यूजर ID एंड अनाउंस द एप्लीकेशन पासवर्ड कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन एंड द व्यूअर अकाउंट डिटेल। आपके मोबाइल पे एक टेम्पररी ID और पासवर्ड आएगा, उसको टाइप करके अपने अकाउंट का डिटेल चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे डन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, आपके मोबाइल पे अकाउंट नंबर और साथ में यूजर किट जिसपे यूजर ID और पासवर्ड दोनों आ गया होगा आप देख सकते हैं, और ध्यान दीजिएगा कि इसको ID पासवर्ड को 3 बार से ज़्यादा गलत मत कीजिएगा, तो 3 बार गलत कर देते हैं तो आपका 1 दिन के लिए फिर उससे ज़्यादा दिन के लिए आपका ID पासवर्ड को लॉक कर दिया जाएगा, तो ध्यान से। बाकी का वीडियो में अगले मतलब बाकी का जो रह गया मैं अगले वीडियो में आपको यूजर आईडी को किस तरह यूज़ करना है, उसको पासवर्ड किस तरह से रखना है, स्टेटमेंट किस तरह से निकालते हैं, मतलब कि नेट बैंकिंग का सारा डिटेल, आप चेकबुक कैसे ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, चेकबुक आपको घर पे बैठे मिल जाएगा, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।